नमस्कार, आज हम बात करेंगे विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में। इसे अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध प्रतिरोध कंसोर्टियम के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में जारी की जाती है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर वन्यजीव अपराध के कारणों व प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 2021 के दौरान 162 देशों में लगभग 4000 पौधे एवं जानवर प्रजातियों को प्रभावित करने वाले अवैध व्यापार की जानकारी दी गई। इसके अनुसार गैंडा और पेंगोलिन सर्वाधिक प्रभावित होने वाली पशु प्रजातियां रही हैं। कुछ अवैध बाजार हिस्सेदारों में राइनो हॉर्न की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। देवदार और सैम्पिडल सर्वाधिक प्रभावित पादप प्रजातियां रही हैं और वहीं कुल अवैध बाजार हिस्सेदारी में इनके हिस्सेदारी सबसे अधिक है। सर्वाधिक जब्त किए गए प्रजाति समूह में मूंगा, मगरमच्छ और हाथी शामिल हैं। धन्यवाद।